शिखर धवन और भुवनेश्वर कुमार का बीसीसीआई ने किया खेल खत्म। पृथ्वी शॉ को भी नहीं मिली टीम इंडिया में जगह। धोनी का चहेता बना टीम इंडिया का कप्तान। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। 28 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच चीन में होने वाले एशियन गेम्स के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। बीसीसीआई ने कहा कि इस बार महिला और पुरुष दोनों एशियन गेम्स खेलेंगे और इस बार टीम का ऐलान भी कुछ खास तरीके से हुआ है। इस साल टीम इंडिया अपने घर पर वनडे वर्ल्ड कप भी खेलेगी, जिसका आयोजन 5 अक्टूबर से हो जाएगा। उससे पहले टीम इंडिया कुछ प्रैक्टिस मैच खेलेगी, कुछ मजबूत टीमों के साथ कुछ मुकाबले भी खेले जाएंगे जिनमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका शामिल है। लेकिन कौन सी टीम एशियन गेम जाएगी, इसमें भी बीसीसीआई ने पर्दा हटा दिया है। पहले बताया जा रहा था कि टीम इंडिया के कप्तान बनेंगे शिखर धवन। की कप्तानी में कई युवा लड़के जो आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करेंगे वो जाएंगे एशियन गेम्स खेलने और वहां पर गोल्ड मेडल जीतने का भरकस प्रयास करेंगे। लेकिन बीसीसीआई ने कहा, नहीं भैया, शिखर धवन को नहीं भेजेंगे। इस बार हम बिल्कुल नए लड़ाकों को भेजेंगे जो जाएंगे और बेहतरीन प्रदर्शन दिखाएंगे, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में अपनी अपनी टीमों को चैंपियन बनाया है और बहुत सारे मैच जीता है। जी हाँ, उसमें कप्तान भी बहुत खास खिलाड़ी को बनाया गया। कप्तान किसी और को नहीं, धोनी के चहेते यानी कहें सीएसके के ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया। इसके अलावा पूरी टीम में और भी कई सारे खिलाड़ी शामिल हैं। वही कुछ बड़े नाम जिन्हें उम्मीद थी कि टीम में जगह मिलेगी, लेकिन उनका प्रदर्शन आईपीएल में अच्छा नहीं रहा, इसलिए उन्हें स्टैंड बाई के तौर पर रखा, जिनमें दीपक हुड्डा भी एक शामिल है। और आपको बता दूं कि क्या है पूरी टीम, तो पूरी टीम आपको एक बार फटाफट बता देते हैं, फिर आगे बात करते हैं कि इसमें किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था और किस खिलाड़ी को नहीं। तो अगर बात करें पूरे स्क्वाड की, तो ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है। यशस्वी जायसवाल जो इस वक्त वेस्ट इंडीज में धमाल मचा रहे हैं वो उस टीम में शामिल है। जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल त्रिपाठी, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शहबाज अहमद, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, आवेश खान, सिमरन सिंह, मुकेश कुमार, शिवम मावी, शिवम दुबे, और जो स्टैंड बाय में खिलाड़ी हैं वो हैं यश ठाकुर, साई किशोर, वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा और साई सुदर्शन। ये टीम बहुत ही खास नजर आ रही है। इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आईपीएल में खूब धमाक मचाए हैं। जब रिंकू सिंह का चयन वेस्ट इंडीज के खिलाफ टी20 टीम में नहीं हुआ तो सवाल उठने लगे थे, लेकिन भैया रिंकू सिंह का चयन हो चुका है, एशियन गेम खेलेंगे रिंकू सिंह। रितेश शर्मा भी खेलेंगे, प्रभ सिमरन सिंह भी खेलेंगे, ऋतुराज गायकवाड़ कप्तान है, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, ये सारे खिलाड़ी इस वक्त एशियन गेम के स्क्वाड में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया का मुझे लगता है गोल्ड पक्का है। लेकिन इस स्क्वाड के आने के बाद कुछ खिलाड़ियों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। उनमें से पहला नाम शिखर धवन का है। टीम इंडिया से पहले ही बाहर चल रहे थे। उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार उन्हें इस स्क्वाड में मौका मिलेगा, यानी कहें एशियन गेम्स में कप्तानी करेंगे, लेकिन टीम में चुना नहीं गया। इसके अलावा पृथ्वी शॉ आईपीएल में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, लेकिन उससे पहले रणजी में कुछ अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें टीम में शामिल नहीं किया गया और इस वजह से उन्हें माना जा रहा है कि अब आने वाले वक्त पर उनके लिए टीम इंडिया में वापसी करना बहुत ही कठिन हो जाएगा। साथ में भुवनेश्वर कुमार को भी मौका नहीं मिला। और साथ साथ आपको बता दें, ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्हें इस बार मौका नहीं मिला है, तो अब आने वाले वक्त पर इनकी वापसी कैसे होगी ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल आपको कैसी लगी हमारी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब में सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।